तो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर को हमेशा फोकस करिए, हर चैप्टर पढ़ने के बाद पुराने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उससे काफी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और आपके जो स्कूल में टेस्ट होते रहते हैं, सैट एग्जाम होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, उनके लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बचेगा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, जिसमें आपके डाउट है या कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो वो कर लेंगे, ठीक है। अभी आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत आसान है, उम्मीद है सभी लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए, आंसर कहाँ करना है, चैट सेक्शन में। क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, अभी बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्या, दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, बताओ। थोड़ा यस सर। छोटा करता हूं, अभी दिख रहा है, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया है, एक सेकंड, माइक किसे का ऑन है, माइक बंद कर दो। मेरा चैट नहीं चल रहा। चैट नहीं चल रहा, चैट तो चलना चाहिए, बिल्कुल चैट चलना चाहिए, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, चैट में बिल्कुल चैट चलना चाहिए, ठीक है। तो ये 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है, सेट बी का। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल पूछा गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ए और बी दो अगर धनात्मक पूर्णांक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आंसर आप सभी के बहुत जल्दी आ गए, और इतने जल्दी आना भी चाहिए, एक नंबर का क्वेश्चन है, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा, या आप एक सेकंड में तो कम से कम 5 सेकंड में, 5 सेकंड में तो आंसर आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर सिंपली हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है, इनका अगर आप एलसीएम भी निकालोगे, इनका आप एचसीएफ भी निकालोगे, चाहे वो कोई भी दो नंबर हो, तो एलसीएम बड़ा होगा कि एचसीएफ बड़ा होगा, मुझे बताओ बड़ा कौन होगा, एलसीएम बड़ा होगा, लघुत्तम समापवर्तक बड़ा होता है। तो आप कहोगे सर एलसीएम बड़ा होता है और एचसीएफ छोटा होता है, ठीक है। लीस्ट और हाईएस्ट से कंफ्यूज मत करना, लीस्ट है तो छोटा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मल्टीपल वर्ड है, तो मल्टीपल कहने का मतलब गुणज, और एफ मतलब फैक्टर, फैक्टर कहने का मतलब गुणनखंड, तो गुणनखंड छोटे होंगे, मल्टीपल यानी गुणज बड़े होंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर एलसीएम बड़ा होगा, तो बड़ा के लिए हम कुछ ऐसा साइन लगाते हैं, तो एलसीएम की तरफ मुंह खुला रहेगा, तो संबंध क्या होता है, किसी भी दो नंबर के लिए एलसीएम बड़ा होगा, तो एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएफ, ठीक है। तो कुछ भी ए बी नंबर के लिए ऐसा लिख देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जैसा आप लोग बोल रहे हो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, याद था सभी को, अच्छी बात है सभी ने आंसर किया। अब ठीक है, यहाँ तो ए और बी दो नंबर है, अच्छा ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा मत सोचो कि सिर्फ एक साल आया 2018 में, 2019-20 कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, इवन एक अलग फॉर्मेट में आया हुआ है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको याद होगा, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि एलसीएम को किसी भी दो नंबर है हमारे पास, उन दो नंबर का एलसीएम जो है वो लिख रहा हूं मैं एम, और एचसीएफ के लिए मैं कह रहा हूं कि एचसीएफ जो है वो है एन, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास एम लेस M देन is एन, greater than N. एम ग्रेटर देन एन, ऑप्शन सी है एम इक्वल टू एन, ऑप्शन डी है नन। अब आंसर करो चैट सेक्शन, आंसर चैट, बाकी सभी के आंसर है बी। अच्छा यहाँ पर कुछ गलती लिख दिया क्या, एन लिख दिया, चलो इसको मैं थोड़ा सही कर दे रहा हूँ, हाँ बिल्कुल मैं सही कर दे रहा हूँ इसको, एम ग्रेटर देन एन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एलसीएम बड़ा होगा, एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएफ, एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से, तो एलसीएम के जगह पर एम लिख दो, एचसीएफ के जगह पर एन लिख दो, एम बड़ा होगा एन से, तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ही पूछ सकते हैं, मुझे बताओ क्या एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होगा, स्टेटमेंट सिर्फ दो नंबर के लिए सही है। अगर मैं लिखूं हमारे पास कोई तीन नंबर है, ए बी और सी तीन अलग अलग नंबर है, तो क्या इसके लिए भी एलसीएम ग्रेटर होगा एचसीएफ से, यस या नो, यस या नो, बताइए सभी लोग, यस। तो यहां पर हमेशा ही चाहे तीन नंबर हो चार नंबर हो, थोड़ा सा देखो मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने भी नंबर हो, दो नंबर हो, तीन नंबर हो, चार नंबर हो, पांच नंबर हो, कितने भी संख्या हो, उसका एलसीएम हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से, ठीक है। तो हम कितने भी नंबर हो एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं आपसे कोई दो बड़ा बड़ा नंबर दे दूं, मैं बोल रहा हूँ एक नंबर हमारे पास है 2048 और एक नंबर है 1029, अब मैं पूछ रहा हूँ कि इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा, आप एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करने जाओगे क्या, बताइए। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों नंबर के लिए ए बी सी डी वही ऑप्शन देता हूं, तो एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएफ, एलसीएम लेस देन एचसीएफ, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, क्या होगा, यही तीन ऑप्शन है, बताओ। तो
तो आप बोलोगे सर कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे काफी टाइम लग जाएगा, ये तो एक नंबर का क्वेश्चन है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेट करेंगे काफी टाइम लग जाएगा, तो सीधे सीधे बोलेंगे सर एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, बस इतना करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन, क्या हमने एलसीएम और एचसीएफ और दो नंबर, मान लो कोई दो नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी, इनका एलसीएम और इनके एचसीएफ के लिए कोई फॉर्मूला भी, एक संबंध भी पढ़ा था इक्वेशन के फॉर्म में? यस सर, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। वेरी गुड, तो यहाँ पर हमें नोट करना है कि एक फॉर्मूला भी पढ़ा था संबंध में, और ये सिर्फ दो नंबर के लिए लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए लगेगा। तो क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर देंगे तो ये आएगा वही दो नंबर का गुणन यानी मल्टीप्लीकेशन के बराबर, तो ए इंटू बी। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब पढ़ा रहा था उस वक्त भी काफी बार मैंने आपको बताया। अब इसी पे बेस्ट एक दो क्वेश्चन करते हैं सीधे। देखो ये क्वेश्चन आपको याद आएगा, ये क्वेश्चन आपके कहाँ से लिए गए हैं, 2017 का सेट ए से। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, इवन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। दो नंबर है 306 और 657, इवन एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन दिखेगा ये आपको, 306 और 657, इसका एचसीएफ 9 है हमारे पास, तो एलसीएम पता करिए, एलसीएम क्या होगा इसमें, चार ऑप्शन है, आंसर दीजिए ए बी सी या डी। तो इसका आंसर चैट सेक्शन में दीजिए, तो खुशी का आंसर आ गया है। अब सही या गलत, खुशी राम आपका आंसर आ गया है, निक्की के नाम से बच्चे हो, अंशिका के नाम से बच्चे हो, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर आप दो नंबर दे रखे हो, इन दोनों नंबर को ए और बी मान लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन है, एचसीएफ तो दिया रखा है तो एलसीएम निकालना है हमें। ठीक है, तो आप सिंपली ये कहते हो, एक सेकंड, तो हमारे पास यही जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था उसी को यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यही फॉर्मूला है। अब ए और बी का मान क्या है, दो नंबर, ए का वैल्यू है 306 पहला वाला नंबर, बी का वैल्यू है 657, एचसीएफ दिया गया है 9, तो एचसीएफ क्वेश्चन में दे रखा है, एचसीएफ इक्वल टू 9, ये सारे वैल्यू पुट कर दीजिए अपने फॉर्मूला में। ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करो, यहाँ पर आप बोलोगे सर एलसीएम नहीं पता, जो नहीं पता उसको रहने देते हैं, एचसीएफ का वैल्यू तो 9 है, ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू 306 और बी का वैल्यू 657। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 से भाग लगा दे। ठीक है, तो 9 से इसको काटिए, 9 से काटोगे 306, किसे भी काट सकते हो, जो भी कैंसिल हो रहा है, तो 306 कैंसिल हो रहा है, तो आपको दिखेगा सर 9 3 27, 3 बच रहा है, 9 4 36, तो 34 आ रहा है, 34 को 657 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो एलसीएम सीधे सीधे आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 34 इंटू 657। आप सभी ने गुना करके आंसर निकाला है, मैं यहाँ पर जल्दी से कर दे रहा हूँ, आप सभी के आंसर सही तो है, 657 इंटू 34, 7 4 20, 7 4 28 का 8 कैरी दो, 5 5 20, 2 22 का 2 कैरी दो, 6 6 24, 2 26। ठीक है, 7 21 का 1 हासिल में 2 रहेगा, 15, 2 17 का 7 1 लिखा, 7 लिखा 1 हासिल, 7 18 1 19, इन दोनों को जोड़ेंगे 8, 2 1 3, 6 6 12 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10 2 12 का 2 1 2, तो 22,338। ठीक है, तो ये सीधे आ रहा है तुम आपका 22338, ये किस ऑप्शन में था, आप सभी ने बोला ये ऑप्शन नंबर बी में था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 22,338। ठीक है, तो ये हमने सीखा कुछ इस तरीके से, ये हमने ये क्वेश्चन किया था क्लास में भी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो, इवन एनसीईआरटी में भी था आपका ये क्वेश्चन, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अब जो ट्रिक का मतलब, देखो कोई भी ट्रिक आप सीखते हो ना, कभी भी आप ट्रिक सीखो तो ट्रिक की एक लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन होती है, हर जगह पर नहीं लगता है। तो अगर हमारे पास एग्जाम में बहुत कम समय है, बहुत जल्दी से आंसर करना है, तो कैसे आंसर कर सकते हैं, जैसे यहां तक तो आपको करना पड़ेगा, आपने मान लिया, माना कि आपने ये वाला निकाल लिया, आपने 34 into 657 ये आपने किया। अब हमें देखना है कि चार ऑप्शन हमारे पास है, चलो यहां से आप देखो,
हमने बोला कि सर हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा 34 × 657 करने के बाद, ठीक है। अब यहां पर आप चेक करो, ये ऑप्शन तो आपके एग्जाम में पूछे गए, आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप सीधे चेक करो कि मैं 7 को 4 से गुना करूंगा तो 7 × 4 कितना मिलेगा बताइए, 7 × 4 = 28। लास्ट में 8 दिख रहा है, तो ये गुना होकर के जो भी नंबर देगा, जो भी आंसर आएगा, उसका सबसे अंतिम अंक क्या आएगा, सबसे अंतिम वाला अंक 8, लास्ट डिजिट 8 आएगा, ठीक है। तो सबसे अंतिम का अंक 8 आएगा। अब ऑप्शन को आप देखो, तो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है सर ऑप्शन ए का सबसे अंतिम अंक तो 2 है, जो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में तो अंतिम अंक 4 है, नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में अंतिम अंक 3 है, नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जिसका अंतिम अंक 8 है, तो ये आंसर बन जाएगा ना हमारा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो बिना गुना किए भी कर सकते थे आंसर टिक लगाने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारे एक शॉर्टकट है जिसको आप काफी जल्दी से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेथड सीखना है, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन ना दे, ठीक है, तब तो हमें मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर में आ गया तो क्या करेंगे, फिर तो लिखना पड़ेगा सारी चीज, ठीक है। तो ये देखना, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, लास्ट डिजिट का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है, मुझे बताओ अगर मैं कह रहा हूँ 293 को 507 से गुना करें, तो जो भी गुना हो करके आएगा इसका अंतिम अंक क्या रहेगा, लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 1 1। तो आपको सिंपली आप बोलोगे सर 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 × 21, ठीक है, तो अंतिम में 1 आ जाएगा, 21 वाला अंतिम अंक 1। तो अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है, मान लो ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दे दिया, अब इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 1 है, तो आप कर सकते हो ना जल्दी से आंसर। अब yes, दो sir. अब अगर 2 ऑप्शन में 1 रहेगा, फिर अगर मान लो 2 ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 1 है, फिर ये ट्रिक फेल हो जाएगा, वही मैं कह रहा था कि लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो अगर 2 ऑप्शन है, मान लो ए भी 1 पर एंड हो रहा है, बी भी 1 पर एंड हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, फिर हमें फाइनल पूरा चेक करना पड़ेगा गुना करके, ठीक है, क्योंकि फिर आप ये ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन जो है, यहां पर पूछा गया आपसे 124 और 148 का HCF अगर 4 है तो उसका LCM क्या होगा, फिर से 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर आप पोल सेक्शन में दे सकते हो, इसका मैंने पोल ऑन किया है, और हड़बड़ी मत करना, सेम फॉर्मूला, में फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा इस बार, आप सभी लोग ट्राई करो। मान लो कि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, और उतने हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हो क्या, किसी का भी माइक ऑन था नहीं, ठीक है। तो ये मानकर सॉल्व करो कि आपके एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन, ठीक है, हड़बड़ी मत करना, ठीक है। ए बी सी या डी 124 और 148 का, हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या सर, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन प्रॉपर है, एक सेकंड, स्क्रीन बिल्कुल सही है, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो सर, क्या आ रहा है आपकी वॉइस भी अच्छे से नहीं आ रही, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, नेटवर्क इशू है आपके तरफ, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। चलिए ए बी सी या डी, अच्छा बिना सॉल्व किए आंसर करोगे गलती हो जाएगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिना सॉल्व किए गेसिंग नहीं करना है आपको, आप एग्जाम में बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हो अगले साल, तो आप अगर बिना सॉल्व किए आंसर कर दोगे एग्जाम में, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये साल, बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपको, ठीक है। तो एग्जाम में जैसे सॉल्व करोगे वैसे सॉल्व करिए। तो 124 और 148 2 नंबर है, HCF 4 है, तो LCM कितना होगा, गलती नहीं होनी चाहिए। रुकेंगे 20 सेकंड और 20 सेकंड, क्योंकि रिवीजन क्लास है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, आंसर कीजिए। 15 सेकंड, अच्छा चांद के नाम से जो बच्ची हो आपका अभी सही हुआ, आपने अभी ज्वाइन किया, अभी स्क्रीन दिख रही है, बताइए अभी सही हुआ क्या। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर थोड़ा कम समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, एग्जाम में
थोड़ी जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इतना कि आप सही टाइम में करेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए का वैल्यू कितना है, 124 कह सकते हैं क्या? पहला नंबर 124 है, दूसरा नंबर 148 है, तो दोनों ही नंबर क्या है, ए और बी, तो दोनों ही नंबर को मैंने मान लिया 124 और बी का वैल्यू हमारा 148। ठीक है, दिया क्या गया है, HCF, तो HCF कितना दिया गया है, HCF दिया गया है आपका 4, HCF 4 है हमारे पास। पूछा क्या जा रहा है, LCM, तो LCM आपसे पूछी जा रही है, फॉर्मूला वही वाला लगाइए जो हमारे पास फॉर्मूला है, LCM into HCF, ये क्या देता है, A into B, ठीक है, A गुना B। तो LCM का वैल्यू नहीं पता, निकालना है हमें, लिख दिया, HCF का वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया, A और B, तो A और B का वैल्यू 124 और 148, तो 124 into 148। अब ये चार जो है, चार क्या होगा, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपको सर एलसीएम का वैल्यू निकालना है, तो 124 इंटू 148 चार गुना में एलसीएम के साथ, तो इधर आके भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर चार आ जाएगा, तो चार से काटिए 124 को, चार से काटोगे चार तीय 12, चार एकम चार, इस बार जो आंसर आने वाला है आपका 31 गुना 148, ठीक है, 31 गुना 148, यहाँ पर चार्ट में क्या लिख रहा हूँ, बिल्कुल 124 इंटू 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कैसे किया है, 124 इंटू 148 बराबर 8 गुना 4, 8 गुना 4, 8 कहां से आया है आपका, पुनीत के नाम से जो बच्चे हो, नहीं, यहां पर समझो, यहां पर LCM इंटू 4 करेंगे ना, LCM तो नहीं पता, LCM इंटू 4 किया, अब LCM का एक सेकंड, चलो इसको सॉल्व करते, 31 गुना 148 आया ना, आपको यह समझ में आ रहा है कि 31 को 148 से गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा, पुनित मुझे बताओ, पुनित कैड से जो बच्चे हो, ये समझ में आ रहा है कि 31 को 148 से गुना करके आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर गुना कर देते हैं, तो 148 गुना 31, इसको गुना करने पर क्या आएगा, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 148, 3 से गुना किया 8 24 का 4, 2, 4 तीय 12, तो 14 का 4 हासिल है, 3 एकम 3, और कितना हासिल आया था, एक सेकंड, 8 24 का 4, 2, 4 तीय 12, तीन कम तीन एक चार, फिर 444 आ रहा है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, इसको जोड़ेगा तो 8 मिला यहाँ पर, 4 4 8 मिला यहाँ पर, 4 1 5 मिला और यहाँ पर 4 मिला, तो 4588 आ रहा ना, 4588, तो 4588 कौन सा ऑप्शन में, ठीक है, तो 4588 जो है आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा ना, बताइए, तो ये सही आंसर बनेगा, समझ में आया, अंतिम कांक अगर देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखो 148 है और यहाँ पर 31 था, तो इन दोनों को आप गुना करोगे तो 8 एकम 8 आ रहा है, तो अंतिम अंक तो 8 आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 8, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, तो यहाँ पर चेक कर ही लीजिएगा, हर ट्रिक का एक लिमिटेशन होता है, समझ में नहीं आया, चलो मुझे माइक ऑन करके अब बताओ, आप माइक ऑन करो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्या नाम है, पहले नाम बताओ आप, बताइए, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, आपको समझा दूंगा, माइक ऑन करो, काजल, ओके काजल, आपको यह समझ में आ रहा है कि दो नंबर ए और बी जो है 124 और 148 है, ए और बी दो नंबर है, एचसीएफ 4 है और एलसीएम पता करना है, यह फॉर्मूला आपको पता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ करने पर सर इन दोनों नंबर को गुना करने के बराबर आएगा, यह फॉर्मूला आपको याद है, यस, ये याद है, ओके, यहाँ के बाद आप बोलोगे सर एलसीएम हमें पता करना है ना, एलसीएम नहीं पता, तो एलसीएम का जगह पर मैंने एलसीएम ही लिख दिया, एचसीएफ का वैल्यू मुझे आप बताओ, बताओ एचसीएफ का वैल्यू आप ही बताना, या माइक ऑन करके या चैट में, माइक ही ऑन कर लो बेटर होगा, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ का वैल्यू बताइए, क्वेश्चन में दिया है ना एचसीएफ का वैल्यू 4 है, तो एचसीएफ का वैल्यू 4 लिख देंगे एचसीएफ के जगह पर, तो यहां लिख दिया 4, ठीक है, गुना में ए इंटू बी, माइक ऑन नहीं होता, कोई बात नहीं, माइक तो चैट में लिख दो, तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी लिख सकते हैं क्या, 124 इंटू 148, अब मुझे यहां तक बस चैट में लिख के बता दो यस या नो, इतना क्लियर, यस यस, आपका आंसर मुझे चाहिए यस, ठीक है, अब यहां पर देखो आपको ये दिख रहा है सर एलसीएम और चार एक दूसरे से गुना हो रखा है, एलसीएम गुना चार है, अगर मैं लिखता हूं एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 20, मुझे आप मुझे काजल आंसर बताओ कि x का वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ काजल बताएंगे, बाकी बच्चे अभी चैट में कुछ मत लिखना,
बस सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक्स इंटू फाइव अगर 20 है तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा काजल? 20/5। आपने क्या बोला सर, इस 5 को डिवाइड कर देंगे 20/5। बिल्कुल सही है। तो ये 4 जो है ये डिवाइड हो जाएगा ना उस साइड जाकर, एलसीएम जो होगा 124 इंटू 148 बटा में 4 हो जाएगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब 4 से काट दीजिए इसको। अब यहाँ पर अब सभी नंबर को आप गुना मत करो, ठीक है? आप शायद इन सभी को गुना कर दियो, गुना नहीं है, 4 से भाग देना है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ 4 से पहले इसको कैंसिल करेंगे 124 को, तो 4 से 124 को कैंसिल किया तो ये आ गया आपका 31। अब आपका आंसर आएगा 31 गुना 148, और इसको गुना करने पर हमारा आंसर आ गया था 4588। अब क्लियर है, क्लियर है। तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या सभी को दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है? फिर आप सभी लोग कर पाओगे अच्छे से एग्जाम में कम समय में, ठीक है? चलिए।